प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो यहां पे हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल में अब कंक्रीट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे। डेफिनेटली ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो सिविल बूस्टर का हम लोग जो है करने वाले हैं। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जो है आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और ये एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा बुक है, मैं यही रिकमेंड करूँगा। बाकी हर किसी का पढ़ने का अलग अंदाज होता है, अलग तरीक़ाएँ होती हैं, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, बट मेरे अनुसार ये वन ऑफ द बेस्ट बुक आप कह सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। तो कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट जो है मिक्सचर्स होता है और बाइंडिंग मटेरियल लाइक लाइम, सीमेंट और वेल ग्रेडेड कोर्स और फाइन एग्रीगेट आपका होता है, साथ ही साथ वाटर और कुछ एडमिक्सचर भी जो है हम लोग उसमें मिलाते हैं। जो कंक्रीट होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे इन ऑन प्लैनेट हमारा जो अर्थ है उस पर। इलास्टिक मॉडल्स ऑफ कंक्रीट के बारे में बात किया जाए तो ये वेरी करता है 14 × 10³ न्यूटन पर mm² से 40 × 10³ न्यूटन पर mm² तक इंक्रीज करता है विद डेंसिटी एंड सम एक्सटेंट ऑफ एज। एज के साथ इंक्रीज करता है, प्लस आपका जो डेंसिटी होता है उसके इंक्रीज होने से भी जो है ये इंक्रीज करता है, जो इलास्टिक मॉडल्स ऑफ कंक्रीट होता है वो। तो इलास्टिक मॉडल्स ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 के अनुसार बात किया जाए, मिनिमम M15 ग्रेड के लिए तो 5700 यानी 5700 √fck न्यूटन पर mm² होता है। और अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के अनुसार अगर बात किया जाए तो इलास्टिक मॉडल्स ऑफ कंक्रीट जो है 5000 × √fck न्यूटन पर mm² होता है। इसमें मेनली जो है मिनिमम जो ग्रेड हम लोग यूज करते हैं M20 यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456 के अनुसार, लेकिन IS 456/1978 के अनुसार मिनिमम M15 यूज करते थे। जो वेट होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वो आपका होता है 2400 kg/m³ और RCC के लिए 2500 kg/m³। जो पॉइजन रेशियो होता है नॉर्मल कंक्रीट का ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि डिज़ाइन एंड सर्विसबिलिटी क्रिटेरिया के बेसिस पे, तो आपका पॉइजन रेशियो 0.15 होता है आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और सर्विसबिलिटी क्रिटेरिया के बेसिस पे 0.2 होता है। जो बिहेवियर होता है सीमेंट कंक्रीट का अंडर इंस्टेंटेनियस लोड वो इलास्टिक होता है। द प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज इम्परमिएबल टू मॉइस्चर, मॉइस्चर में इम्परमिएबल आपका होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन अलग अलग बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, सीमेंटिंग मटेरियल के बेसिस पे एक बात किया जाए तो लाइम कंक्रीट, जिप्सम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट होता है। बल्क डेंसिटी के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो आपका एक्स्ट्रा लाइट, जिसमें जो है आपका 500 से कम kg/m³ आपका होता है लाइट, बात किया जाए तो ये आपका 500 से 1800 kg/m³ डेंसिटी होता है। और डेंस वेट जो है 1800 से 2500 kg/m³ और सुपर हैवी वेट जो है 2500 kg/m³ से ज़्यादा होता है। ग्रेड ऑफ सीमेंट के बेसिस पे बात किया जाए तो लो स्ट्रेंथ सीमेंट होता है, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है जिसका स्ट्रेंथ जो है लेस देन 20 N/mm² होता है, मीडियम स्ट्रेंथ जो कि आपका 20 से 40 N/mm² और हाई स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 40 N/mm². पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन बात किया जाए तो M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4, M20 के लिए 1:1.5:3, M25 के लिए 1:1:2। प्लेस ऑफ कास्टिंग इन C2 कंक्रीट और प्री कास्ट कंक्रीट में जो है हम लोग इसको प्लेस करते हैं। एज पर IS 456/1978 के अनुसार जो कंक्रीट मिक्स है वो डिज़ाइन किया जाता है 7 ग्रेड में, लेकिन IS 456/2000 के अनुसार कंक्रीट मिक्स जो है डिज़ाइन किया जाता है 29 ग्रेड में। कितने? 29 ग्रेड में जो है डिज़ाइन
आपका किया जाता है। स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंक्रीट बैचिंग मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग कॉम्पैक्टिंग फिनिशिंग एंड क्यूरिंग। बैचिंग क्या होता है? तो बैच टाइप मिक्सर, बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर जो है IS 1791 यानी 1791 में आपको पढ़ना है। बैचिंग बताता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड होता है कंक्रीट मिक्स में, ईच बैच में उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसी को बैचिंग कहते हैं। इसमें एग्रीगेट एडमिक्सचर्स वाटर मेजर किए जाते हैं विद एक्यूरेसी प्लस माइनस 3% ऑफ बैच क्वांटिटी एंड सीमेंट जो है प्लस माइनस 2% होता है ऑफ बैच क्वांटिटी एज पर IS 456 के अनुसार। टाइप्स ऑफ बैचिंग अगर बात किया जाए तो दो तरीके का बैचिंग होता है। एक वेट बैचिंग होता है, ये रिकमेंड किया जाता है लगभग सभी काम के लिए। इसमें जो सीमेंट होता है वो ऑलवेज मेजर्ड किया जाता है बाई वेट इन ई रिस्पेक्टिव मेथड ऑफ बैचिंग, है ना। इसमें क्या होता है कि सीमेंट को भी जो हम लोग बाई वेट इसको जो है मेजर करते हैं, किसमें बाई वेट इसको जो है हम लोग मेजर करते हैं। वॉल्यूम बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग जो है ये रिकमेंड किया जाता है स्मॉल वर्क के लिए। इसमें स्टैंडर्ड एक बॉक्स होता है जिसको जो है गेज बॉक्स कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए। जो करेक्शंस होता है बल्किंग ऑफ सैंड का वो अप्लाई किया जाता है इस पर। जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रजेंट इन द सैंड, सैंड में कितना मॉइस्चर प्रजेंट है और फाइनेस कितना प्रेजेंट है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होगा। ये जनरली जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है वो 20-40% एट वाटर कंटेंट होता है 4-6%। मिक्सिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो अप्रॉक्सीमेट मिक्सिंग टाइम जो होता है वो एज पर IS 456 के अनुसार 2 मिनट होता है। कंक्रीट मिक्सेज आर स्पेसिफाइड बाई वॉल्यूम के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है ऑफ मिक्स्ड कंक्रीट डिस्चार्ज आफ्टर मिक्सिंग ईच बैच एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब। हर एक बैच को मिक्स करने के बाद उसका जो एक्सप्रेशन है वो मीटर क्यूब में आपका होता है। जनरली जो मिक्सचर्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं बाय दो क्वांटिटीज़, पहला टोटल वॉल्यूम ऑफ इंग्रेडिएंट एडेड और दूसरा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस्ड फॉर, मतलब कि कितना प्रोड्यूस हुआ और कितना इंग्रेडिएंट मिलाया गया। एग्जाम्पल के तौर पे 370/310। जनरली जो है 20 रिवॉल्यूशन ऑफ कंक्रीट जो है करते हैं इन मिक्सचर प्रोवाइडेड सफिशियंट मिक्सिंग। सफिशियंट मिक्सिंग के लिए जो है 20 रिवॉल्यूशन जो है कंक्रीट मिक्सचर का जो हम लोग देते हैं। 10% एक्स्ट्रा सीमेंट इज एडेड इन हैंड मिक्सिंग, हैंड से जब हाथ से मिक्सिंग करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा हम लोग जो है मिक्सिंग प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सिंग बात किया जाए तो हैंड मिक्सिंग, मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग में दो तरीके का होता है, बैचिंग प्लांट जो कि मैनुअल सेमी और फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, और तीसरा होता है, और दूसरा जो मशीन मिक्सिंग में होता है मिक्सर होता है जिसको पैन मिक्सर कहते हैं। ड्रम मिक्सर्स आर क्लासिफाइड इनटू टिल्टिंग और नल टिल्टिंग और रिवर्स मिक्सर्स के तौर पे। टिल्टिंग मिक्सर जो है यूज किया जाता है लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। नल टिंटिंग मिक्सचर जो होता है ये यूज किया जाता है स्मॉल वर्क के लिए। कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन एग्रीगेट साइज इज मोर देन 75 mm। अगर 75 mm से ज़्यादा साइज वाला एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है नल टिंटिंग मिक्सचर यूज नहीं करेंगे। पैन टाइप मिक्सचर जो है ये मोस्टली यूज किया जाता है प्री कास्ट कंक्रीट फैक्ट्रीज में। कहाँ पे? प्री कास्ट कंक्रीट फैक्ट्री में यूज किया जाता है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन। अ बेल्ट कन्वेयर इज़ यूज वेन कंक्रीट इज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड। जब भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंटिन्यूसली तो बेल्ट कन्वेयर का यूज़ किया जाता है एंड एन इनएसेसिबल एरिया, और इनएसेसिबल एरिया में कंक्रीट पंप्स इज़ कॉमनली यूज फॉर टनल ब्रिज वर्क, ना टनल और ब्रिज वर्क में जो है कंक्रीट पंपिंग का यूज करते हैं। बेस्ट मेथड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज़ पंपिंग। पंपिंग जो है बेस्ट मेथड होता है। फॉर पंपिंग मेथड जो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है कंक्रीट का वो 0.92 होता है, 0.9 से लेकर 0.92 तक होता है। जो डायमीटर होता है पाइप का फॉर पंपिंग मेथड वो 100-200 mm होता है, और बाई पंपिंग मेथड जो कंक्रीट होता है वो ट्रांसपोर्टेड किया जाता है 400 मीटर इन हॉरिजॉन्टल एंड 80 मीटर इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में 80 मीटर तक और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 400 मीटर तक जो है पंपिंग किया
जाता है, कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है पंपिंग मेथड से। प्लेसिंग, डिलेड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट रिजल्ट इन गेन इन अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड द कंक्रीट इज एडिक्वेटली कॉम्पैक्टेड। एज पर IS 456 के अनुसार अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम परमिसिबल जो होगा फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट का वो हम लोग 1.5 मीटर लेके चलेंगे, और जो प्लेसिंग होता है कंक्रीट का अंडर वाटर वो किया जाता है ट्रीम पाइप के द्वारा, जिसमें स्लम्प का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 150 से 200 mm। कितना? 150 से 200 mm आपका होता है। जो कॉम्पैक्शंस होते हैं ना, वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जो एयर इंट्रैप्ड होता है आपका कंक्रीट में उसको यूनिफॉर्मली क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है टू फॉर्म होमोजीनियस डेंस मास, है ना, होमोजीनियस डेंस मास बनाया जा सके इस पर्पस को लेकर। जो प्रेजेंस होता है आपका इवन 5% एंड 10% वॉइड इन हार्डन कंक्रीट लेफ्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट कॉम्पैक्शन में रिजल्ट इन डिक्रीज इन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज अबाउट 30 to 60%। अगर 5% अगर हम लोग वॉइड मतलब एयर रखने देंगे इनकम, मतलब 5% भी अगर वॉइड हमारा रहता है तो 30% जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमारा क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है, और अगर 10% रहता है तो 60% जो है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है डिक्रीज कर जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वॉइड आपका ना हो। सरफेस वाइब्रेटर और स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर्स आर यूज्ड फॉर रोड सरफेस के लिए, प्लेन कंक्रीट फ्लोर पेमेंट एक्सेट्रा। इट इज़ इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होता है आपका ओनली इफ़ डेप्थ इज़ अप टू 15 से 20 cm। डेप्थ जो है 15 से 20 cm है तभी तक जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, मतलब इफेक्टिव आपका होता है। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म वाइब्रेटर, इट इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द सेक्शन इज थिन एंड हैवीली रेनफोर्स्ड, व्हेन पेनिट्रेशन ऑफ नीडल वाइब्रेटर इज नॉट पॉसिबल, जब पॉसिबल नहीं है तब। जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर है जिसको फॉर्म वाइब्रेटर भी कहते हैं, ये यूज किया जाता है ओनली व्हेन सेक्शन ऑफ थिन हैवीली रेनफोर्स्ड वेयर पेनिट्रेशन ऑफ नीडल वाइब्रेटर इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ नीडल वाइब्रेटर पॉसिबल नहीं होता है ना, वहीं पे जो है हम लोग यूज करते हैं किसका, एक्सटर्नल वाइब्रेटर का। इंटरनल नीडल वाइब्रेटर ये वेरी इफेक्टिव होता है फॉर मास कंक्रीटिंग के लिए। बाय यूजिंग अ मैकेनिकल वाइब्रेटर अ कंक्रीट ऑफ अबाउट 5 cm स्लम्प कैन बी प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड फुली इन क्लोज्ड स्पेस RCC वर्क, वाइल द हैंड कॉम्पैक्शन हायर कंसिस्टेंसी जो कि 12 cm स्लम्प में भी रिक्वायर्ड होता है। फिनिशिंग जो है ये लेवलिंग या स्मूथिंग होता है टॉप सरफेस ऑफ फ्रेश प्लेस्ड कंक्रीट का। इट इज़ डन बाई स्क्रीडिंग फ्लोटिंग एंड ट्वेलिंग के द्वारा जो है ये आपका किया जाता है। फ्लोटिंग, इट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द इनग्रेडियंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट एंड इट इज़ डन बाई वुडन फ्लोट। स्क्रीडिंग जो है ये प्रोसेस होता है जिसमें स्कर्टिंग किया जाता है फॉर एक्सेस कंक्रीट टू ब्रिंग द टॉप सरफेस अप टू प्रॉपर ग्रेड, और ट्वेलिंग जो है ये फाइनल ऑपरेशन होता है फिनिशिंग का, जो कि वेरी स्मूथ सरफेस गिव्स वेरी स्मूथ फिनिश जो है आपको देता है। क्यूरिंग के बारे में बात किया जाए तो एज पर IS 456 के अनुसार क्यूरिंग जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें जो लॉस ऑफ मॉइस्चर्स होता है फ्रॉम कंक्रीट वाइल मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर रिजीम, तो उस समय उसको जो है क्या करता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। द
सैंपल शुड बी स्टोर्ड इन अ प्लेस फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन इन मॉइस्ट एयर एटलीस्ट 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होता है क्यूरिंग के लिए फॉर 24 आवर्स प्लस माइनस हाफ एन आवर फॉर टाइम ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू ड्राई इन्ग्रेडियंट। ड्राई इन्ग्रेडियंट में जो क्यूरिंग पीरियड होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का वो 3 से 7 दिन होता है 7 डेज फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट सीमेंट के लिए हैव मोस्ट लॉन्ग क्यूरिंग पीरियड। कंबाइंड वाटर जो है ये जनरली केमिकली कंबाइंड किया जाता है विद हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ नॉन इवेपोरेबल होता है। कैपिलरी वाटर जो है ये इजली एवेपोरेट हो जाता है। इट पार्सली ऑक्यूपाइज द कैपिलरी पोर्स, पार्सली ऑक्यूपाई करता है कैपिलरी पोर्स को विच कंसिस्ट द स्पेस इन द सीमेंट पेस्ट के स्पेस का कंस्टिट्यूएंट्स होता है जिसमें आपका अकाउंटिंग को ऑफर करता है फॉर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जेल और अनहाइड्रेटेड सीमेंट का। जेल वाटर जो है ये हेल्ड होता है फिजिकली और एडजॉर्ब्ड होता है सरफेस ऑफ सीमेंट एरिया का, जो सरफेस एरिया होता है सीमेंट का उस पर एडजॉर्ब्ड होता है और ये फिजिकल होता है आपका सरफेस एरिया के ऑफ सीमेंट का। मेथड ऑफ क्यूरिंग बात किया जाए तो आपका पहला है सेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क और स्टैग्नेटिंग वाटर, ये सूटेबल होता है फॉर लार्ज कंक्रीट सरफेस सच एज रोड स्लैब के लिए। ग्यूनी बैग ये सूटेबल होता है आपका स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ये वर्टिकल सरफेस के लिए सूटेबल होता है। मेम्ब्रेन क्यूरिंग ये जो है आपका एट प्लेसेस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्टीम एक्सेलरेटेड क्यूरिंग ये प्री कास्ट कंक्रीट वर्क के लिए होता है सूटेबल। स्टीम क्यूरिंग इज नॉट सूटेबल फॉर हाई एल्मुना सीमेंट के लिए हम लोग जो है स्टीम क्यूरिंग नहीं करते हैं। मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज यूज्ड इन हीली एरिया में यूज किया जाता है। मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज डन बाय अप्लाइंग पैराफिन्स और रिजिन बेस्ड लिक्विड को जो है क्या करते हैं अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट के सरफेस पे। स्टीम क्यूरिंग इंक्रीज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो स्टीम क्यूरिंग है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्या करता है इंक्रीज करता है एंड रिड्यूसेस द सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो सीयर स्ट्रेंथ होता है उसको क्या करता है रिड्यूस करता है। जो जिलो पॉलीमेल कंक्रीट होता है वो प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय यूजिंग फ्लाई एस के एंड अल्कली एक्टिवेटर सॉल्यूशन अलोंग विद एग्रीगेट्स। जो कंक्रीट होता है वो हीट किया जाता है बाय स्टीम एट 93 डिग्री सेल्सियस नाइदर एट लो और हाई प्रेशर। मोर रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेंड विद हेल्प ऑफ इंफ्रा रेड रेडिएशन देन स्टीम क्यूरिंग। जो मोर रैपिड गेनिंग स्ट्रेंथ होता है वो ऑब्टेंड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंफ्रा रेड रेडिएशन के, ना कि स्टीम क्यूरिंग से। इन लाइम कंक्रीट में जो क्यूरिंग होता है शुड स्टार्ट आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद स्टार्ट किया जाता है ऑफ इट्स लेइंग एंड शुड बी कंटिन्यूड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन तक जो है ये किया जाता है। मैच्योरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इन कंक्रीट, जो स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का नॉट ओनली डिपेंड अपॉन टाइम के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता है बट ऑल्सो इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ड्यूरिंग हाइड्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर के डिफाइन करता है। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू होता है टाइम प्लस टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस आवर होता है। अ डैटम टेम्परेचर ऑफ -11 डिग्री सेल्सियस इज टेकन फॉर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के लिए जो है -11 डिग्री सेल्सियस लेकर चलते हैं कैलकुलेशन बिकॉज हाइड्रेशन स्टार्ट एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो हाइड्रेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अ सैंपल ऑफ कंक्रीट क्योर्ड एट 18 डिग्री सेल्सियस पे सैंपल को क्योर्ड किया जाता है फॉर 28 डेज
इट टेक एन फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट, तो मैच्योरिटी एट 28 डेज कितना हो जाएगा, 28 × 24 × 18 −-11 यानी 19488 डिग्री सेल्सियस आवर आपका होगा। एल्ड ऑफ कंक्रीट, इफ प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट इज ए बी सी देन, मैंने ए इज टू बी इज टू सी प्रोपोर्शन आपका दिया गया है, देन प्रोड्यूस्ड कंक्रीट विल है वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम कंक्रीट का डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए जो है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, बी जो है वॉल्यूम ऑफ सैंड और सी जो है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आपका होगा। अगर डब्ल्यू ए बी सी आर एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ वाटर सीमेंट सैंड और एग्रीगेट होता है तो आपका डब्ल्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल टू 1 आपका होगा। मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग कंक्रीट मिक्सेस, कंक्रीट मिक्सेस का प्रोपोर्शनिंग का मेथड कौन सा है, तो पहला है फुलर्स मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, पी इज इक्वल टू 100 × √d, यहाँ पे पी जो है ये रो को डिसाइड करता है यानी डेंसिटी को, यानी रो इज इक्वल टू परसेंटेज बाई वेट ऑफ मैटर फाइनर देन डायमीटर स्मॉल डी, और कैपिटल डी जो है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट को दर्शाता है। अब्राहम्स वाटर सीमेंट लॉ, अब्राहम्स वाटर सीमेंट लॉ जो है फॉर अ गिवन कंडीशन ऑफ टेस्ट, जो स्ट्रेंथ होता है वर्केबल कंक्रीट मिक्स का वो डिपेंड करता है ऑन वाटर सीमेंट रेशियो पे, तो जो क्वांटिटी होता है वाटर का जो कि यूज किया जाता है कंक्रीट में वो 30% होता है ऑफ वेट ऑफ सीमेंट प्लस 5% वेट ऑफ एग्रीगेट होता है। बाई यूज ऑफ कंपैक्शन वाइब्रेटर, कॉम्पैक्शन वाइब्रेटर का यूज जब करते हैं तो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है कैन बी रिड्यूस 20% रिड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो स्ट्रेंथ होता है मिक्स का वो इंक्रीज करता है विद डिक्रीज इन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के डिक्रीज के साथ जो स्ट्रेंथ होता है मिक्स का वो क्या होता है इंक्रीज करता है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीजेड विद एज ऑफ द फॉलोइंग, एक महीना में जो एज फैक्टर होता है 1 होता है, 3 महीना में 1.1 होता है, 6 महीना में 1.15 होता है और 12 महीना में 1.2 होता है। मिनिमम वॉयड मेथड्स, मिनिमम वॉयड्स मेथड जो है वॉयड्स इन कोर्स एग्रीगेट शुड बी फिल्ड बाई सैंड, वॉयड्स इन सैंड सैंड शुड बी फिल्ड बाई सीमेंट, सीमेंट के द्वारा फिल किया जाता है। जनरली इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्वान्टिटी ऑफ सैंड यूज इन मैक्सिमम इज केप्ट 10% होता है और मोर देन द वॉइड्स इन द कोर्स एग्रीगेट एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज कंसिडर्ड 15% मोर देन वॉइड्स इन सैंड, सैंड में मोर देन वॉइड्स आपका होता है। बात किया जाए अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो की, तो ये मास होता है ऑफ फ्री वाटर जो कि एक्सक्लूड किया जाता है इन adsorbed by aggregate to that water that cement is mixed, it is the ratio lies between 0.35 to 0.65, जो water cement ratio होता है 0.35 से 0.65 तक जो है lie करता है। water cement ratio जो है mainly responsible होता है आपका porosity of hardened cement concrete का, ये ratio होता है weight of water to the weight of cement। फॉर ड्यूरेबल कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो जो है लेस देन 0.8 होता है और अगर 0.6 से बड़ा है तो पोरोसिटी इंक्रीज करेगा और स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करेगा। ड्यू टू प्रजेंस ऑफ 2% ऑयल इन वाटर, वाटर में 2% ऑयल के प्रजेंस होने के कारण से जो स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो 20% रिड्यूज हो जाता है। सी वाटर इन वर्ल्ड ओशियन हैज सेलिनिटी अप्रॉक्स 3.5% और 35 पार्ट्स पर थाउजेंड्स होता है। जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है सी वाटर का वो रिएक्ट करता है केमिकली विद कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट के, जो कि कॉज करता है सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर को डैमेज करने में। सी वाटर जो है कोरोड करता है रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी को, दस जो ड्यूरेबिलिटी होता है स्ट्रक्चर का वो भी अफेक्टेड होता है। सी वाटर में CaCl2 के प्रजेंस के कारण से क्या करता है कि जो सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का उसको एक्सेलरेट कर देता है।
सी वाटर रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 10-20% एंड जो सी वाटर होता है कैन नॉट बी यूज फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए सी वाटर का यूज नहीं किया जाता है। जो स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का या कंक्रीट क्यूब का मेड फ्रॉम नॉर्मल वाटर शुड नॉट बी लेस देन 90% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब मेड बाई डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के एक्सपोजर कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क विद नॉर्मल एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल साइज के लिए अगर बात किया जाए तो एक्सपोजर माइल्ड है तो नॉर्मल होगा। नॉमिनल कवर जो है 20 mm M20 ग्रेड। मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 kg पर मीटर क्यूब और वाटर सीमेंट रेशियो 0.55। मॉडरेट एक्सपोजर टू रेन। नॉमिनल कवर जो है 30 mm। मिनिमम ग्रेड जो है M25। सीमेंट कंटेंट 300 kg पर मीटर क्यूब। वाटर सीमेंट रेशियो 0.5। सीवर एक्सपोजर में इमर्ज्ड इन सी वाटर नॉमिनल कवर जो है आपका 45 mm। M30 मिनिमम ग्रेड। सीमेंट कंटेंट जो है आपका 320 kg पर मीटर क्यूब और वाटर सीमेंट रेशियो 0.45। सीवर कंडीशन में आपका एक्सपोज टू सी स्प्रे मिनिमम नॉमिनल कवर जो होता है वो आपका 50 mm होता है। M35 आपका मिनिमम ग्रेड होता है और 340 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट कंटेंट यूज करते हैं मिनिमम और 0.45 इसका फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होता है मैक्सिमम। एक्सट्रीम के लिए टाइडल जोन जहाँ पे M40 यूज करते हैं और 75 mm नॉमिनल कवर होता है। 360 kg पर मीटर क्यूब जो है सीमेंट कंटेंट यूज करते हैं। 0.4 जो है मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो है आपका यहाँ पे होता है। अ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इट इज़ डिज़ाइंड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ प्रीसीडिंग द लेटर एम। एम जो है मिक्स को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बाइंडिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और सीयर स्ट्रेंथ जो होता है वो 20% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। M20 का मतलब होता है, M का मतलब मिक्स और 20 का मतलब हो गया कि 20 kN पर mm² या न्यूटन पर mm² कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपका हो गया। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में स्ट्रेंथ को और वाई एक्सिस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है FCK और ये जो है आपका मीन स्ट्रेंथ है FM। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ये आपका 1.65 सिग्मा होता है, ये 5% आपका होता है। तो डेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 3 दिन के लिए 1/2 FCK, 7 दिन के लिए 2/3 FCK, 14 दिन के लिए 0.9 FCK और 28 दिन में FCK। जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है वो ऐसा स्ट्रेंथ होता है मटेरियल का जो कि विलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड टू फेल, मतलब 5% से ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए, तो उसको जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। FM यानी मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 सिग्मा। जनरली जो सिंपल टेस्ट किया जाता है 7 दिन के लिए और 28 दिन के लिए किया जाता है, बट IS कोड कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 28 दिन के लिए आप स्ट्रेंथ को चेक करो। जो एवरेज वैल्यू होगा 3 सिंपल का शुड बी टेकन एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्रोवाइडेड इंडिविजुअल वेरिएशन इज नॉट मोर देन ±15% ऑफ एवरेज। एवरेज जितना है उससे ±15% से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। कई सारे लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को मेजर करने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्जुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो क्वालिटी कंक्रीट मेथड होता है और इंस्पेक्शन टेस्टिंग और सैंपलिंग होता है फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट वी यूज ग्रेडेड एग्रीगेट बिकॉज इफ डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट आर मिक्सड ईच अदर
इन कंक्रीट द बॉन्डिंग इज बिकम स्ट्रॉन्ग, जो बॉन्डिंग होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इसमें जो साइज होता है एग्रीगेट का वो 38 mm तक लेकर चलते हैं। जो साइज ऑफ एग्रीगेट क्यूब होता है, कंक्रीट क्यूब होता है 150 × 150 × 150 mm होता है। साइज ऑफ सिलेंडर जो है 150 डायमीटर और 300 mm हाइट होता है। क्यूब मोल्ड जो होता है वो फिल्ड किया जाता है 3 लेयर में और टेपरेड किया जाता है 35 टाइम्स पर लेयर ऑफ 15 cm क्यूब एंड 25 टाइम्स लेयर फॉर 10 cm क्यूब विद टैपिंग रॉड 16 mm डायमीटर, 16 mm डायमीटर के साथ। और जो लेंथ होता है वो 600 mm हम लोग जो है लेकर चलते हैं। जो रेट ऑफ लोडिंग होता है इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में वो 14 N/mm² पर मिनट आपका होता है। स्टोर्ड एट टेम्परेचर ऑफ 20°C ±3°C एट 90% ह्यूमिडिटी फॉर 24 hours ±0.5 hour आप लेकर चल सकते हो। देन इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 7 days और 28 days, 7 दिन या 28 दिन के लिए इमर्ज कर देते हैं। जो क्यूबिक स्ट्रेंथ होता है या क्यूब स्ट्रेंथ होता है वो 1.25 × सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होता है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड नंबर ऑफ सैंपल 1 to 5, 1, 6 से 15, 2, 16 से 30, 3, 30 से 50, 4 और 50 से ज़्यादा है तो 4+1 और ईच नंबर ऑफ 50 m³ ये हम लोग जो है लेकर चलते हैं। फ्लेक्जुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का इन फ्लेक्जुरल इज कॉल्ड फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ। IS कोड 516/1959 में इसके बारे में स्पेसिफाई किया गया है। स्पेसिफाइज 2-point लोडिंग, जो फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ होता है वो यूज किया जाता है आपका ऑन सेट क्रैकिंग और जो लोडिंग है एट विच क्रैकिंग स्टार्ट इन स्ट्रक्चर उसको डिटरमाइन करने के लिए जो है फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है मेजर किया जाता है बाई टेस्टिंग सिलेंडर अंडर डायमेट्रिकल कंप्रेशन, किसके डायमेट्रिकल कंप्रेशन के। बिकॉज ऑफ ड्यू टू डिफिकल्टी इन अप्लाइंग यूनिएक्सियल टेस्ट टू अ कंक्रीट स्पेसिमेन हेंस जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो डिटरमाइन किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, जो कि आपका बाई स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आपका होता है। यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT जो है हो जाएगा 2P/πDL। यहाँ पे जो है कंक्रीट सिलेंडर है 150 mm डायमीटर और 300 mm लेंथ इसका है और ये यहाँ पे आपका जो है क्रैकिंग आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोड यहाँ पे इस तरीके से लग रहा है ऊपर से नीचे से, ये आपका डायमीटर हो गया। सिंस कंक्रीट डज नॉट टेक एनी टेंसाइल स्ट्रेंथ इट इज टेकन एज जीरो, अगर कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई कंक्रीट नहीं लेता है तो उसको जीरो लेकर चलते हैं। बट IS कोड रिकमेंड करता है कि फ्लेक्जुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे FCR इज इक्वल टू 0.7 × √FCK N/mm². जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो मेजर किया जाता है टेस्टिंग रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन के अंडर डायरेक्ट टेंशन के। इन अब्सेंस ऑफ टेस्ट रिजल्ट द कोड रिकमेंड यूज अ एस्टिमेट ऑफ फ्लेक्जुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय द फॉलोइंग इक्वेशन FCR इज इक्वल टू 0.7 × √FCK, जहाँ पे FCK जो है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्यूब का N/mm² और FCR जो है फ्लेक्जुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपका N/mm² में। FCR का मतलब इज इक्वल टू होता है 0.7 √FCK और FCT का इज इक्वल टू होता है 0.66 × FCR। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 × 0.625 × FCR। FCR जो है फ्लेक्जुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ और FCT जो है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। FCR इज इक्वल टू 0.7 × √FCK एंड FCT इज इक्वल टू 0.66 FCR इज इक्वल टू 2P बाई
πDL, तो जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ और उससे भी कम होगा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, साइज ऑफ स्पेसिमेन, अगर साइज जो है आपका डिक्रीज करेगा तो जो स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा। एज ऑफ सीमेंट, स्ट्रेंथ रिड्यूसेज एज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमोसफियर, जैसे ही सीमेंट एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को तो जो स्ट्रेंथ होता है उसका क्या हो जाता है, कम जाता है। तो टेस्टिंग एज ऑफ टेस्टिंग एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1 महीने में सेम होगा, 2 महीने में 1.1 गुने स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज, 3 महीने में 1.22 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज और 6 मंथ में 1.46 इंटू स्ट्रेंथ एट 28 डेज और 12 मंथ्स में 1.55 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज, ये आपका जो है यहाँ पे होगा। मॉइस्चर्स इन अ स्पेसिमेन, इट रिड्यूसेज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई सैंपल इज इक्वल टू 1.1 to 1.2 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड सैंपल। रेट ऑफ लोडिंग, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग। सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, इफ सीमेंट इज इंक्रीजेज देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। साइज ऑफ एग्रीगेट, लार्जर एग्रीगेट साइज लीड लोअर स्ट्रेंथ। टाइप ऑफ एग्रीगेट, एंगुलर स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम वॉइड को, बट दे प्रोवाइड वेरी गुड बॉन्ड एंड सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। एयर वॉइड्स के बारे में बात किया जाए तो दीज आर फॉर्म्ड बाई इवेपोरेशंस ऑफ वाटर यूज इन मेकिंग कंक्रीट और इंट्रैप्ड एयर, दे डिक्रीज द स्ट्रेंथ कंसिडरेबली। एयर वॉइड्स जो होता है क्या करता है कि जो स्ट्रेंथ होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, 5% एयर वॉइड डिक्रीज स्ट्रेंथ 30% और 10% एयर वॉइड डिक्रीज 60% स्ट्रेंथ। वर्केबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस फुल कॉम्पैक्शन, जो स्लम टेस्ट होता है वो यूज किया जाता है फॉर इन सीटू डिटर्मिनेशन ऑफ वर्केबिलिटी। कंसिस्टेंसी इंडिकेट्स फ्लूडिटी और मोबिलिटी, कंक्रीट विद हाई कंसिस्टेंसी मे नॉट बी वर्केबल फॉर पार्टिकुलर जॉब और कंक्रीट हैविंग सेम कंसिस्टेंसी मे वेरी इन वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी में जो है ये वेरी आपका करता है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। वाटर कंटेंट, एज वाटर कंटेंट इंक्रीजेज, जो फ्लूडिटी ऑफ मिक्स इंक्रीज करता है तो वर्केबिलिटी भी आपका इंक्रीज करता है। वर्केबिलिटी क्या होता है वो भी आपका इंक्रीज करता है। एग्रीगेट साइज, हायर एग्रीगेट साइज हायर विल बी वर्केबिलिटी, बिगर एग्रीगेट सरफेस एरिया विल बी वेटेड लेस, पेस्ट रिक्वायर्ड फॉर लिब्रिकेटिंग सरफेस विल बी लेस। शेप एंड एग्रीगेट, एंगुलर और फ्लैकी एग्रीगेट हैव लार्ज सरफेस सो लेस वर्केबल, एंड राउंड एंड क्यूबिकल शेप एग्रीगेट हैव लेस सरफेस एरिया देयर फॉर लेस अमाउंट ऑफ पेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर लिब्रिकेशन देन वर्केबल इज हाई। एग्रीगेट और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, तो हायर द रेशियो लीनर विल बी कंक्रीट। लीन कंक्रीट मीन्स कंक्रीट हैविंग लेस पेस्ट अवेलेबल फॉर लिब्रिकेशन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट। सरफेस स्ट्रक्चर, अ स्मूथ सरफेस हायर विल बी वर्केबिलिटी। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट आर मोर वर्केबल, सच टाइप ऑफ मिक्स विल बी लीस्ट वॉइड, एक्सेस सीमेंट पेस्ट विल बी अवेलेबल एज लुब्रिकेंट। टाइप्स ऑफ स्लंप, ट्रू स्लंप, सियर स्लंप और कोलैप्स स्लंप। एडजस्टमेंट इन वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, इफ डिजायर स्लंप इज नॉट ऑब्टेंड, वाटर सीमेंट रेशियो 0.01, वाटर 1%, सीमेंटियस मटेरियल 1%, एग्रीगेट 2% हम लोग जो है लेकर चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, पहला स्लंप टेस्ट, डायमेंशन ऑफ मोल्ड यानी फ्रस्टम ऑफ कोन, टॉप डायमीटर 100 mm, हाइट 300 mm और बॉटम जो है 200 mm
होगा। एज पर IAS 1199 पार्ट 2 2018 के अनुसार आपका 3 लेयर और 25 स्ट्रोक पर लेयर आपका होगा। टैपिंग रॉड का जो डायमीटर होगा 16 mm होगा। लेंथ जो है 600 mm आपका होगा। लेंथ कितना होगा? 600 mm। स्लैम्प टेस्ट इज परफॉर्म फॉर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एज 38 mm ओनली। इफ़ एग्रीगेट साइज ग्रेटर देन 38 mm देन वेट सेविंग इज डन थ्रू 38 mm सेव। तो जो अगर एग्रीगेट का साइज 38 mm से ज़्यादा हो जाता है तो जो वेट सेविंग है उसका यूज करके जो है हम लोग सेव करेंगे। तो बॉटम और टॉप डायमीटर 10 mm, बॉटम 20 mm और हाइट जो है 30, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर इन एवव, यहाँ पे जितने भी है सभी सेंटीमीटर में आपका दिया गया है। रिकमेंडेड स्लैम्प ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अगर बात किया जाए तो स्लैम्प का जो है 20 से 40 mm होगा। बीम और स्लैब के लिए 50 से 100 mm। मास कंक्रीट डैम ब्रिज रिटेनिंग वॉल 25 से 50 mm। नॉर्मल सीमेंट नॉर्मल RCC वर्क कॉलम थीन वॉल 80 से 150 mm। कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड 10 से 25 mm। और इम्परमीएबल वर्क के लिए 75 से 120 mm स्लैम्प का वैल्यू हम लोग लेकर चलेंगे। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होता है टू कॉम्पैक्ट द कंक्रीट थ्रूली। जो कंक्रीट का जो थ्रूली हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं उस दौरान कंक्रीटिंग फैक्टर टेस्ट इज यूजफुल फॉर कंक्रीट मिक्सेज फॉर ऑफ मीडियम एंड लेस वर्केबिलिटीज। CF जो कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाई मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर लो वर्केबिलिटीज के लिए 0.85, मीडियम वर्केबिलिटी के लिए 0.92 और हाई वर्केबिलिटी के लिए 0.95 लेकर चलते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो फिगर है ये आपका एज पर स्पेस यहाँ पे जो है आपका दिया गया है फिगर। ये आपका जो है हुपर क्लैंप है, कॉनिकल हुपर है ये आपका, ओके। और ये सिलेंड्रिकल आपका एक तरीके से सेविंग किया जा रहा है। तो एज पर CPWD स्पेसिमेन ऑफ कंक्रीट वर्क, कंक्रीटिंग हैविली रेनफोर्स सेक्शन विद वाइब्रेशन, स्लैम्प जो है 25 से 75 mm होगा फॉर 20 mm एग्रीगेट के लिए। कंक्रीट इन लाइट रेनफोर्स सेक्शन विद वाइब्रेशन, स्लैम्प इज अप टू 25 mm लेकर चलेंगे। वैल्यूज ऑफ वर्केबिलिटी एट डिफरेंट प्लेसिंग कंडीशन एक्सट्रीमली, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी एक्सट्रीमली, कंसिस्टेंसी मॉइस्ट अर्थ और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.65 टू 0.7, VV डिग्री 20 सेकेंड, प्री कास्ट पेविंग में यूज किया जाता है। लो वेरी लो वर्केबिलिटी, इसका कंसिस्टेंसी वेरी ड्राई होता है। स्लैम्प वैल्यू जो है 0 से 25 होता है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.7 टू 0.8 होता है। VV डिग्री इन सेकेंड में जो है आपका 12 से 20 सेकेंड होता है। रोड या पावर वाइब्रेटर में यूज किया जाता है। लो वर्केबिलिटी, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ड्राई कंसिस्टेंसी। स्लैम्प वैल्यू, स्लैम्प जो है आपका 25 से 75 mm। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो है आपका 0.85 टू 0.87। VV डिग्री जो है 6 से 12 सेकेंड। मास कंक्रीटिंग हाई रेनफोर्स सेक्शन में यूज किया जाता है। मीडियम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, स्लैम्प 50 से 100। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो है 0.92 टू 0.935। VV डिग्री जो है 3 से 6 सेकेंड। फ्लैट स्लैब हैविली रेनफोर्स सेक्शन, RCC सेक्शन जो कि मैनुअल वाइब्रेटर होगा उसमें यूज करेंगे। हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी सेमी फ्लूइड, स्लैम्प 100 से 150। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.95 टू 0.96। VV डिग्री 0 से 3 सेकेंड यूज किया जाता है। रेनफोर्स विद कंजस्टेड रेनफोर्समेंट कैन नॉट बी वाइब्रेटेड के केस में।
वी कंसिस्टोमीटर ये डिटरमाइन करता है टाइम को रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्मिंग करने में कितना टाइम लगता है उसको ये डिटरमाइन करता है। अ कंक्रीट स्पेसिमेन इज शेप ऑफ कॉनिकल फ्रस्टम इनटू सिलेंडर, कॉनिकल फ्रस्टम इनटू सिलेंडर आपका होता है, ये सूटेबल होता है फॉर कंक्रीट हैविंग स्लैम वैल्यू लेस देन 50 mm। जो कंसिस्टेंसी होता है कंक्रीट का वो एक्सप्रेस किया जाता है वीवी डिग्री में विच इज़ इक्वल टू रिकॉर्डेड टाइम इन सेकेंड। जो आपका वीवी कंसिस्टोमीटर होता है ये गुड लेबोरेटरी मेथड होता है पार्टिकुलरली फॉर वेरी ड्राई मिक्सेज के लिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये आपका जो है ये फिगर है आपका, ये नीचे का जो है 20 cm, 30 cm, 10 cm आपका फ्रस्टम है और ये आपका जो है आपका 260 mm आपका दिया गया है। फ्लो टेबल टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट जो है ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है विच गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को इंडिकेट करता है विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी कोहेसिवनेस और प्रोनेंसेंस टू सेग्रीगेशन। फ्लो प्रतिशत इज इक्वल टू होता है स्प्रेड डायमीटर इन सेंटीमीटर माइनस 25/25 × 100, रेंज जो है 0 to 150 आपका होता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट फ्रॉम लो वर्कबिलिटी टू हाई वर्कबिलिटी वीवी कंसिस्टोमीटर, उसके बाद कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, स्लम टेस्ट और लास्टली जो है फ्लो टेबल टेस्ट। कैली वॉल टेस्ट जो है ये फील्ड मेथड होता है जो कि मोस्ट एक्यूरेट और क्विकर रिजल्ट हमें जो है प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू स्लम टेस्ट के। मिक्स डिज़ाइन, मिक्स डिज़ाइन व्हेन प्रोपोर्शंस ऑफ सीमेंट एग्रीगेट्स वाटर आर अडॉप्टेड बेस्ड ऑन आर्बिट्री स्टैंडर्ड, जो द कंक्रीट प्रोड्यूस्ड इज टर्म्ड एज नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, इट मे बी अडॉप्टेड फॉर कंक्रीट ऑफ M20 और लोअर ग्रेड। व्हेन प्रोपोर्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट इज एकम्पनीड बाई यूज ऑफ सर्टेन इस्टेब्लिश्ड रिलेशंस द प्रोड्यूस्ड कंक्रीट इज टर्म्ड एज डिज़ाइन कंक्रीट मिक्स। देखो डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट या डिज़ाइन कंक्रीट मिक्स जो है क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी कंस्टिट्यूएंट जितने भी हैं चाहे सीमेंट हो गया वाटर हो गया तो इन सभी को कितना हम लोगों को लेकर चलना है तो उसका एक प्रॉपर रिलेशंस को ही जो हम लोग क्या कहते हैं डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट कहा जाता है। स्टेप ऑफ मिक्स डिज़ाइन IS 10262/1982 के अनुसार कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो है सबसे पहले लार्ज टारगेट मीन स्ट्रेंथ यानी FM को कैलकुलेट करो। FM इज इक्वल टू होता है FCK प्लस 0.65 सिग्मा। उसके बाद जो है देन गेटिंग वाटर सीमेंट रेशियो बेस्ड ऑन 28-day स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड एज्यूम्ड सिग्मा M10 to M15, 3.5, M20 to M25, 4, M32 M65 और M65 to M80 जो है 6 हम लोग जो है सिग्मा का वैल्यू लेकर चलते हैं। गेट वाटर कंटेंट बेस्ड ऑन वर्कबिलिटी रिक्वायर्ड और चौथा सीमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से कितना सीमेंट रिक्वायर्ड होगा कैलकुलेट करेंगे। फिर फाइन MFA एंड कोर्स एग्रीगेट MCA बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल्स, MC/ρC प्लस MFA/ρF प्लस MCA/ρCA प्लस VW+VV इज इक्वल टू 0, ये आपका होगा। डिटरमाइन वेट ऑफ इनग्रेडियंट पर पीच ना, डिटरमाइन वेट ऑफ इनग्रेडियंट पर पीच बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर के कैपेसिटी के बेसिस पे। तो इस तरीके से जो है हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना जो है हमारा होगा। जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज़ होगा एग्रीगेट का फॉर वेरियस वर्क के लिए RCC मेंबर के लिए जो है 20 mm, कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के लिए 10 mm और मैसिव वर्क लाइक डैम रिटेनिंग वॉल के लिए 40 mm। जो परमिसिबल लिमिट होगा फॉर सॉलिड्स पर एज पर IS 456/2000 के अनुसार वो आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक
टेस्टिंग अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। ऑर्गेनिक के लिए अगर बात किया जाए तो टेस्ट किया जाता है एज पर IS 3025 पार्ट 18 में परमिशनल वैल्यू जो है 200 ppm, सस्पेंडेड मैटर के लिए IS 3225 पार्ट 17 में 2000 ppm और सल्फेट्स एज SO3 IS 3025 पार्ट 24 में 400 ppm और क्लोराइड्स जो कि IS 3025 पार्ट 32 में 2000 ppm फॉर प्लेन कंक्रीट और 500 ppm फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट और लास्ट है इन ऑर्गेनिक IS 3025 पार्ट 18 इसमें जो है परमिशनल वैल्यू जो है 3000 ppm जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। जो pH वैल्यू होता है आपका वाटर का वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट्स इन कंक्रीट, कंक्रीट में कौन कौन से डिफेक्ट्स आपके आते हैं तो सबसे पहला डिफेक्ट आता है क्रेजिंग, इट इज़ नेटवर्क ऑफ फाइन राउंड क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट ऑफ मोर्टार जो कि कॉज किया जाता है बाय श्रिंकेज ऑफ सरफेस लेयर। और दूसरा है क्रैक जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट होता है आपका सरफेस विर्थ ऑफ क्रैक जो है 0.1 to 0.3 mm और इनफ्लोरेसेंस यानी फुलना फ्लफी वाइट पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट मेंबर्स डिफरेंट इन इफ्लोरेसेंस डिपोजिट आर सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम। इफ्लोरेसेंस जो होता है ये कॉज होता है बाय सॉल्टी वाटर से, है ना, सॉल्टी वाटर जो होता है उसके कारण से जो है जनरली इनफ्लोरेसेंस जो है देखने को मिलता है कंक्रीट में। बात किया जाए टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस तो नील व्हेन देयर इज नो परसेप्टिबल डिपॉजिट ऑफ इनफ्लोरेसेंस उसको नील कहते हैं। स्लाइट जब मोर देन 10% एरिया ऑफ ब्रिक जो है कवर्ड हो जाता है विद थिन डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट तो उसको स्लाइट कहते हैं। मॉडरेट व्हेन कवरिंग अप टू 50% ऑफ एरिया ऑफ ब्रिक और हैवी कहेंगे जब 50% एरिया या मोर कवर कर लेगा बट अनअकम्पनीड बाई पाउडरिंग एंड फ्लैकिंग ऑफ ब्रिक सरफेस। और सीरियस होगा कब जब व्हेन देयर इज हैवी डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट अकम्पनीड बाई पाउडरिंग और फ्लैकिंग ऑफ एक्सपोज सरफेस जो एक्सपोज सरफेस होता है उसके। सेग्रीगेशन जो है सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंक्रीट सीमेंट सैंड और एग्रीगेट बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो सेग्रीगेशन होता है ये तीन तरीके का होता है, वाटर सेपरेटिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ मटेरियल उसको ब्लीडिंग कहते हैं, कोर्सर एग्रीगेट सेपरेटिंग आउट एंड सेटिंग डाउन पेस्ट एग्रीगेट अवे फ्रॉम कोर्स एग्रीगेट। सेग्रीगेशन जो है वो देखा जाता है बैडली प्रोपोर्शन मिक्सेज में व्हेन कंक्रीट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट मोर देन 1.5 meter। 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से अगर गिराते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू IS 456 के अनुसार। ब्लीडिंग क्या होता है, इन ब्लीडिंग वाटर फ्रॉम कंक्रीट कम आउट टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट बिकॉज लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिच मिक्सेज आर लेस प्रोन टू ब्लीडिंग देन लीन मिक्सेज। इट लीड जो ब्लीडिंग है लीड होता है टू फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन साइड एंड हैंस कॉज डिक्रीज इन स्ट्रेंथ। और ब्लीडिंग होने के कारण से जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है डिक्रीज कर जाता है। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाई यूजिंग यूनिफॉर्म ग्रेडेड एग्रीगेट। ब्लीडिंग को यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट को यूज करके रिड्यूस किया जा सकता है इन ट्रेनिंग एजेंट्स और फाइनर सीमेंट का यूज करके। जो ब्लीडिंग होता है ये जनरली देखने को मिलता है इन हाईली वेट कंक्रीट और बैडली प्रोपोर्शनल मिक्सेज में। व्हेन वाटर कम्स अप विद सीमेंट पार्टिकल्स टू सरफेस इज कॉल्ड लैटेंस, है ना, जब पानी के साथ साथ सीमेंट पार्टिकल भी जो है ऊपर सरफेस पे आ जाता है तो उसको लैटेंस जो है कहते हैं। अल्कली काउजेज अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन विद विच इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड काउज स्पेलिंग। स्पेलिंग को काउज करता है जैसे जैसे वॉल्यूम जो होता है कंक्रीट का वो इंक्रीज करता है तब कब जब अल्कली
एग्रीगेट रिएक्ट करता है। क्रीप जो कि प्लास्टिक और एल्ड होता है, कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन होता है विद टाइम अंडर कॉन्स्टेंट लोड। इन जनरल क्रीप इंक्रीजेज है ना, क्रीप इंक्रीज करता है व्हेन एग्रीगेट कंटेंट, जो एग्रीगेट कंटेंट होता है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो अगर लो होता है तब, या सीमेंट कंटेंट जो होता है, या एयर इंट्रेनमेंट जो होता है, या वाटर सीमेंट रेशियो या टेम्परेचर हाई होता है, तब जो है क्रीप हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑन हार्डेंड कंक्रीट, हार्डेंड कंक्रीट पे मैच्योरिटी टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, अल्ट्रा सोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, रीबाउंड टेस्ट जो कि रीबाउंड हैमर टेस्ट को जो है हम लोग अश्चमीडित हैमर टेस्ट भी कहते हैं। रीबाउंड हैमर टेस्ट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर सरफेस लेयर अप टू 30 mm डेप्थ, और ये सूटेबल होता है फॉर कंक्रीट हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20-60 MPa। एडमिक्सचर जो होता है ये दो तरीके का होता है, केमिकल एडमिक्सचर्स और मिनरल एडमिक्सचर्स। जो केमिकल एडमिक्सचर्स होता है, प्लास्टिसाइजर्स, रिटार्डर्स, एयर इंट्रेनर्स, एक्सेलरेटर, सुपर प्लास्टिसाइजर्स। मिनरल एडमिक्सचर जो होता है, पोजलोनाज, सिलिका फोम, राइस हक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये आपका होता है। IS 9103 डिस्क्राइब करता है वॉट एडमिक्सचर्स के बारे में। जो मिनरल एडमिक्सचर्स होते हैं वो ऐड किया जाता है आफ्टर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स, दे रिप्लेस द सीमेंट बाय 10-70%, 10-70% बाय मेस जो है सीमेंट को क्या करता है, रिप्लेस करता है। केमिकल एडमिक्सचर जो होता है वो ऐड किया जाता है एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को जब मिक्स कर रहे होते हैं तो उस समय जो है केमिकल एडमिक्सचर को यूज करते हैं। शुगर एंड एडमिक्सचर, शुगर जो है एंड एडमिक्सचर्स यूज फॉर डिलेइंग सेटिंग टाइम, जो कि रिटार्डर एजेंट्स होता है ऑफ कंक्रीट का, विदाउट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है जो सेटिंग टाइम का जो है उसको डिले कर देता है। 0.05% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट, नो इफेक्ट। 0.15% ऑफ बाई वेट ऑफ सीमेंट रिड्यूसेस अर्ली स्ट्रेंथ और इंक्रीजेस 28 डेज स्ट्रेंथ, और 0.2% ऑफ बाई वेट ऑफ सीमेंट फाइनल सेट मे नॉट बी टेक इवन 72 घंटा, 72 घंटा में फाइनल सेट कंप्लीट नहीं वो ले पाएगा। ऑयल कंटामिनेशन मिनरल ऑयल नॉट मिक्स्ड विद एनिमल और वेजिटेबल ऑयल इन मिक्सिंग वाटर हैविंग नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो मिनरल ऑयल है वो अगर मिक्स नहीं है विद एनिमल और वेजिटेटिव ऑयल के, तो वो मिक्सिंग जो है वाटर को एडवर्स इफेक्ट नहीं देगा और नहीं कोई अफेक्ट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के। लेकिन वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल जो है वाइडली अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को एट लैटर स्टेज पे। स्किम्ड मिल्क जो कि कैसियन है, हैज़ रिटार्डिंग इफेक्ट मेनली ड्यू टू शुगर कंटेंट। शुगर कंटेंट के कारण से मेनली जो है आपका होता है, जो मिनरल ऑयल होता है इज अप टू 2%, जो मिनरल ऑयल होता है वो अप टू 2% होता है बाई वेट ऑफ सीमेंट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, सिग्निफिकेंटली जो है स्ट्रेंथ में इंक्रीज होता है। एडमिक्सचर्स यूज एग्जाम्पल एंड रिमार्क क्या है वो बात करते हैं। तो प्लास्टिसाइजर ये रिड्यूस करता है वाटर कंटेंट को और इम्प्रूव करता है वर्कबिलिटी ऑफ फॉर गिवन वाटर सीमेंट रेशियो। एग्जाम्पल लिंगो सल्फोनिक एसिड, हाइड्रोजाइलेट, कार्बोजाइलिक एसिड और पॉली ग्लिकोल एस्टर। रिमार्क डोज जो है इसका 0.1-0.4% बाई वेट ऑफ सीमेंट होता है। एयर इंट्रेनर ये इम्प्रूव करता है रेजिस्टेंस टू डैमेज फ्रॉम फ्रीजिंग एंड थोइंग। एग्जाम्पल वुड रिजिन, वेजिटेबल ऑयल, टलू स्वेप, स्टेरिक एसिड,
एल्यूमिनियम पाउडर ये आपका होता है। एग्जांपल रिमार्क है कि डोज जो है 0.005% से 1% वाई वेट ऑफ सीमेंट होता है और रिड्यूस करता है सेग्रीगेशन को, ब्लीडिंग को, डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का। एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर जो है ये रैपिड हार्डनिंग एंड हाईली अर्ली स्ट्रेंथ को अचीव करवाता है। एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड और सिलिकेट, डोज जो है 0.1 to 0.2% बाई वेट ऑफ सीमेंट होता है। सुपर प्लास्टिसाइजर वर्केबिलिटी ग्रेटली इन्हेंस करता है। एग्जांपल है सल्फोनेटेड मेलामीन, फॉर्मल्डिहाइड, मॉडिफाइड लैंग इग्नो सल्फेट। फाइनर द सीमेंट हायर विल बी डोज, रिड्यूस वाटर रिक्वायरमेंट 20 to 40%। रिटार्डर लॉन्गर सेटिंग टाइम और स्लोअर इनिशियल स्ट्रेंथ गेन। एग्जांपल है आपका कैल्शियम सल्फेट, शुगर सेलुलोज और टर्ट्रिक एसिड। डोज जो है आपका 0.05 to 0.2% होता है बाई वेट ऑफ सीमेंट। डिले हाइड्रेशन प्रोसेस अप टू 72 घंटा। 72 घंटा तक जो है जो प्रोसेस होता है उसको क्या कर देता है, डिले कर देता है। जो रिटार्डर होता है वो ऑल्सो यूज किया जाता है फॉर हॉट वेदरिंग कंक्रीट के लिए, टू प्रिवेंट कोल्ड ज्वाइंट एंड फॉर ग्राउटिंग डीप ऑयल वेल एंड इन रेडी मिक्स कंक्रीट में रिटार्डर का जो है यूज किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इट इज़ डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू रजिस्ट वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, एब्रेशंस और एनी अदर प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन। जो सिंडर्स होता है वो पायरो क्लास्टिक मिनरल्स मटेरियल होता है। दे आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं। ये आपका मोर श्रिंकेज और अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट आपका होता है। फॉर्मवर्क जो है वो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होता है। ये दो तरीके का फॉर्मवर्क होता है, सर्टरिंग एंड सेंटरिंग। टाइप ऑफ फॉर्मवर्क जो कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है उसको सर्टरिंग कहते हैं, और जो सपोर्ट कर प्रोवाइड करता है आपका स्ट्रक्चर को अनटिल इट सपोर्ट सेल्फ सपोर्टिंग, उसको जो है शटरिंग कहते हैं। और जो पार्ट होता है फॉर्मवर्क का विच इज़ यूज टू सपोर्ट द शटरिंग उसको जो है सेंटरिंग कहते हैं। स्ट्रिपिंग टाइम में भी रिड्यूस 40% इन केस ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में जो स्ट्रिपिंग का जो टाइम होता है वो आपका स्ट्रिपिंग टाइम जो है 40% रिड्यूस हो जाता है। सोरिंग, सोरिंग जो है ये कंस्ट्रक्शन होता है फॉर टेम्पररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट टेम्पररीली अनसेफ स्ट्रक्चर जो कि रेंडर लैटरल सपोर्ट टू वॉल एंड आर अनयूज्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज। वेन वॉल क्रैक ड्यू टू अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, वेन एडजेसेंट स्ट्रक्चर इज डिसमेल्टेड, वेन वॉल शोज साइंस ऑफ बल्जिंग आउट, वेन ओपनिंग आर टू बी मेड और इनलार्ज्ड इन वॉल। तो इस कंडीशन इस ये सभी अगर सर्कमस्टांसेज अगर बिल्डिंग में देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में जो है सोरिंग हम लोग जो है करते हैं। सोरिंग जो है कई तरीके का होता है। आपका फ्लाई सोरिंग होता है, फ्लाई सोरिंग को जो है हॉरिजॉन्टल सोरिंग भी कहते हैं। दीज आर यूज टू गिव हॉरिजॉन्टल सपोर्ट टू टू एडजेसेंट पैरेलल पार्टीज बॉल विच हैव बिकम अनसेफ ड्यू टू रिमूवल और कोलैप्स ऑफ इमीडिएट बिल्डिंग। और जो रैकिंग सोर्स होता है इन दिस मेथड इंक्लाइंड मेंबर्स वो रैकर्स आर यूज्ड to give lateral support to the wall, crackers should be inclined to the ground by 45 degree to make them more effective। और तीसरा होता है dead or vertical source, it consists of vertical member known as dead sore। ये use किया जाता है for supporting temporarily wall for rebuilding etc। जो purpose होता है placing of new foundation अंडर एग्जिस्टिंग और वन स्ट्रेंथनिंग एंड एग्जिस्टिंग फाउंडेशन उसको जो है अंडर पाइपनिंग ऑफ फाउंडेशन कहते हैं। जो कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क होता है, शटरिंग
मे बी मेड 22-25% ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन द बिल्डिंग वर्क। जो ट्रिस्टल स्कॉफ्टलिंग होता है वो यूज किया जाता है फॉर पेंटिंग एंड रिपेयर वर्क के लिए इनसाइड रूम अप टू हाइट ऑफ 15 मीटर, मतलब 15 मीटर हाइट तक। टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क, मिनिमम पीरियड बिफोर रिमूविंग फॉर्म वर्क, जो वर्टिकल फॉर्म वर्क होता है टू कॉलम बीम्स और वॉल वो 16 से 24 घंटा होता है, और सॉफिट फॉर्म वर्क टू स्लैब प्रोब्स टू बी रीफिक्स्ड जस्ट आफ्टर रिमूवर ऑफ फॉर्म वर्क 3 दिन होता है। सॉफिट फॉर्म वर्क टू बीम प्रोब्स टू रीफिक्स्ड जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क 7 डेज होता है। प्रोब्स टू स्लैब स्पैन अप टू 4.5 मीटर 7 डेज और स्पैन ओवर 4.5 मीटर 14 डेज। प्रोब्स टू बीम एंड आर्चेज स्पैनिंग अप टू 6 मीटर आपका 14 दिन और स्पैनिंग ओवर 6 मीटर 21 दिन। एवव स्पेसिमेन आर वैलिड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वेयर एम्बियंट टेम्परेचर डू नॉट फॉल बिलो 15 डिग्री सेल्सियस एंड एडिक्वेट क्यूरिंग इज डन। फॉर अदर सीमेंट्स और लो टेम्परेचर जो स्ट्रिपिंग होता है टाइम में वो रिकमेंड किया जाता है बाई एवव सूटेबल मॉडिफाइड, है ना, ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको मॉडिफाई करते हुए हम लोग करते हैं। सेलुलर कंक्रीट जो है इसको हम लोग एरेटेड या फोएम्ड कंक्रीट भी कहते हैं। ये प्रीपेयर्ड किया जाता है बाय मिक्सिंग एलुमिनियम इन आरसी सीमेंट कंक्रीट, और इट इज़ लाइट इन वेट होता है और स्पॉन्जी इन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्पॉन्जीनेस होता है और हल्का भी आपका होता है। ट्रांसपेरेंट कंक्रीट, इसको जो है ट्रांसलूसेंट कंक्रीट या लाइट ट्रांसमिटिंग कंक्रीट कहते हैं। ये अचीव किया जाता है बाय रिप्लेसिंग एग्रीगेट विद ट्रांसपेरेंट अल्टरनेट मटेरियल, यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड फाइन एग्रीगेट आर ऑल्सो यूज एज ट्रांसपेरेंट एग्रीगेट। ये लीन एग्रीगेट क्या होता है, ये मिक्स होता है व्हेन अमाउंट ऑफ सीमेंट इज लोअर देन अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन स्ट्रेटा। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर बात किया जाए तो लीन कंक्रीट बेस, ये मिनिमम ग्रेड M5 एंड M7.5 होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट M15, RCC जनरल कंस्ट्रक्शन M20, वाटर टैंक और डोम के लिए M30, और इन सी वाटर M30, RCC और PCC में M20, प्री टेंशनड PSC में M40 और पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो है आपका M30 ग्रेड ऑफ का यूज किया जाता है। सॉर्टिंग यानी जिसको गाउटेड कंक्रीट कहते हैं उसको जो है हम लोग स्प्रे कंक्रीट भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जो है जेट के मदद से फोर्स इंपैक्ट करके जो है सरफेस पे लगाया जाता है एंड सो एज टू मेक इट सेल्फ सपोर्टिंग इन इट मोटार सीमेंट इज न्यूमेटिकली प्रोजेक्टेड एट हाई वेलोसिटी ऑन द बैकअप सरफेस। जो साइज होता है एग्रीगेट का यूज किया जाता है लेस देन 10 mm के लिए। रेडी मिक्स कंक्रीट, इट इज़ कंक्रीट डिलीवर्ड एट साइट इन द प्लास्टिक कंडीशन एंड डू नॉट रिक्वायर्ड एट एनी फर्दर ट्रीटमेंट। इसमें किसी तरीके का फर्दर ट्रीटमेंट यूज नहीं किया जाता है बिफोर बीइंग प्लेस इन पोजीशन इन विच इट इज सेट एंड हार्डन। जो फर्स्ट रेडी मिक्स कंक्रीट होता है प्लांट आर इस्टेब्लिश्ड इन 1932। सबसे पहला रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, पुणे में 1932 में। रेडी मिक्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी इम्प्लॉयज रिटार्डर फॉर द पर्पस ऑफ रिट्रेनिंग ऑफ स्लम। स्लम को रिट्रेनिंग करने के लिए पर्पस के लिए रिटार्डर के लिए ये काम करता है। फेरो सीमेंट जो है यूज किया जाता है इन थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर में और लो कॉस्ट आपका होता है।
पंपेबल कंक्रीट, पंपेबल कंक्रीट जो है ये टाइप ऑफ कंक्रीट होता है जो कि पुश्ड थ्रू पाइपलाइन ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन। स्लम्प जो होता है आपका कंक्रीट का शुड बी रेंज 50 to 80 mm। वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.5 to 0.65 होता है। जनरली 12 सेंटीमीटर डायमीटर जो है पाइप का यूज किया जाता है। लाइट वेट कंक्रीट ये मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय यूजिंग एयर इंट्रेनिंग एजेंट का यूज करके। लाइट वेट एग्रीगेट होता है सॉडस्ट और प्यूमिक का, ओमिटेड यूज ऑफ फाइंस एक्सेट्रा। जनरली इट्स डेंसिटी जो है 300 to 1850 kg पर मीटर क्यूब होता है। इट इज़ यूज फॉर हीट एंड साउंड इंसुलेशन, है ना, यूज ऑफ हीट एंड साउंड इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं। नो फाइंस कंक्रीट, इट इज़ लाइट वेट कंक्रीट मेड अप ऑफ ओनली कोर्स एग्रीगेट सीमेंट वाटर बाय ओमिटिंग फाइंस सैंड और फाइन एग्रीगेट। फ्रॉम नॉर्मल कंक्रीट इट इज़ यूजफुल फॉर हायर परमेबिलिटी, हायर परमेबिलिटीज के केस में इसका यूज किया जाता है। हैवी वेट कंक्रीट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग स्पेशल वेट एग्रीगेट बेराइट्स और मैग्नेटाइट्स। जनरली जो है इसका डेंसिटी 2600 to 3900 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये सूटेबल होता है फॉर ग्रेविटी डैम, रिटेनिंग वॉल, एटॉमिक पावर प्लांट के लिए। हाई डेंसिटी कंक्रीट ये प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन और जनरेटेड हीट लाइक इन न्यूक्लियर प्लांट। जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होता है वो सुपीरियर एंड हायर ड्यूरेबिलिटी होता है एंड इन रिलेशन ऑफ कंपोजिट लीड और स्टील सेल्ड इट इज़ चीपर ऑल्सो, ये सस्ता होता है। वैक्यूम कंक्रीट, कंक्रीट सीमेंट फ्रॉम विच इंट्रेंड एयर और एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड विद वैक्यूम पंप आफ्टर प्लेसिंग इट इन पोजीशन। ऑर्डिनरी कंक्रीट, कंक्रीट इन विच नो प्रीलिमिनरी टेस्ट आर परफॉर्म्ड फॉर डिजाइनिंग द मिक्स। ग्रीन कंक्रीट इट इज़ मेड फ्रॉम वेस्ट दैट इज़ इको फ्रेंडली, वेस्ट से जो कंक्रीट बनाया जाता है उसको ग्रीन कंक्रीट कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, आयरन ऑक्साइड, फ्लाई ऐश आर कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रीन कंक्रीट। वेस्ट लाइक स्लैग, रिसाइकल्ड कंक्रीट, पावर प्लांट वेस्ट, माइनिंग एसेक्ट्रा, क्वायरिंग वेस्ट, रेड मड, बर्न क्ले, वेस्ट ग्लास, sawdust etc. आर यूज टू मेक ग्रीन कंक्रीट। तो ये जो भी अभी मैंने बताया वो सभी चीज़ों का यूज करके जो है ग्रीन कंक्रीट को बनाया जाता है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपका बेटर हेल्प किया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके का और भी वीडियोज़ आपको मिलता रहे।